नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक ऐसे नेता जो कभी इंदिरा गांधी के सिरदर्द बने तो कभी कारगिल युद्ध में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। हम बात कर रहे हैं वाजपेयी सरकार में बतौर रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जी की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे 88 साल के फर्नांडिस जी का आज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अब उनके घर पर नेताओं का तांता लग गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज नेताओं में उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस को सरल और निडर व्यक्तित्व वाला नेता बताया, जिन्होंने सदैव दूरदर्शी सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। उसके बाद दूसरे ट्वीट में कहा, वो गरीबों और पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ने वाले सबसे असरदार आवाज थे। हम जॉर्ज फर्नांडिस को सबसे अहम और उग्र ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। हम उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने चुनाव के मैदान में मजबूत से मजबूत नेताओं को धूल चटाया। जॉर्ज साहब ने बतौर रेल और रक्षा मंत्री भारत को सुरक्षित और मजबूत किया। इसके बाद एक और ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जॉर्ज साहब ने कभी राजनीतिक विचारधारा से भटके नहीं। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जमकर खिलाफत किया। उनकी सादगी और विनम्रता उल्लेखनीय थी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्त और तमाम शोकाकुल लोगों के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से खुद पीएम मोदी इतने आहत हुए कि उन्होंने कई ट्वीट कर डाले। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त वो भी था जब पीएम मोदी ने राजनीति के मंझे हुए इस दिग्गज नेता को करीब से जाना और दोनों के बीच एक गहरा नाता रहा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि संघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पीएम मोदी किसी के बॉडीगार्ड भी हुआ करते थे। सुरक्षा कर्मी का वेश धारण कर किसी की सुरक्षा में 24 घंटे खड़े रहते थे, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ही थे। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए, ये तब की बात है कि जब इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया था। कई जाने माने नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी, जिसके चलते कई नेताओं को अंडरग्राउंड भी होना पड़ा। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए पीएम मोदी ने भी अपना वेश बदला, क्योंकि उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के लोक संघर्ष समिति के महासचिव बनाए गए थे। और ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए पीएम मोदी ने अपना नाम बदला और उस वक्त के फायर ब्रांड नेता जॉर्ज फर्नांडिस की सुरक्षा में जुट गए। उन्होंने पूरी तरह से फर्नांडिस जी के बॉडीगार्ड का दायित्व निभाया, और इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी ने ही किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जितने दिनों वो बतौर बॉडीगार्ड जॉर्ज फर्नांडिस के इर्द गिर्द रहे, उन्हें उतना ही उन्हें जानने का मौका मिला और काफी कुछ सीखने को मिला। तो देखा, इमरजेंसी के दौरान किस तरह पीएम मोदी एक दिग्गज नेता और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के गार्ड बने थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी एक हुंकार से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कांप जाता था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वाजपेयी सरकार में बतौर रक्षा मंत्री की शपथ लेने वाले जॉर्ज फर्नांडिस न सिर्फ विरोधियों बल्कि पाकिस्तान पर भी भारी पड़ेंगे। जब जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाई, तब तब जॉर्ज फर्नांडिस ने उनकी बोलती बंद कर दी। ये जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, उसमें जहां भी जो भी चुनौतियां आ जाती है, उनका जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों के और सेना के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और उसमें आज के दिन चूंकि ये संभावना है कि पाकिस्तान के तरफ से चुनाव यहाँ पर ठीक ढंग से ना चले या उसमें कोई ना कोई हरकतें निकले, ये प्रयास तो होता ही रहा है, तो इसलिए उसके लिए जो भी अधिक सुरक्षा की और अन्य जो भी तैयारियां उसके लिए करनी चाहिए थी, वो सब चीज़ स्थान पर है।